डियर स्टूडेंट आरसीआई एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे एल्कोहल के जो टेस्ट चल रहे थे डिस्टिंगफाई करने के लिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों का विभेद किस प्रकार करते हैं, उसमें आपने पढ़ लिया था ल्यूकास परीक्षण और दूसरा पढ़ लिया था आपने विक्टर मेयर टेस्ट। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आज अपन बात करेंगे औद्योगिक महत्व के एल्कोहल यानी उद्योग इंडस्ट्रियल इंपोर्ट टेंस के अंदर कुछ एल्कोहल्स जो है वो काम में लेते हैं। उनमें पहली बात करेंगे मैथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। तो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट अपना औद्योगिक महत्व के एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक रहेगा औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, जिसमें पहली बात करूंगा मैं मिथाइल एल्कोहल CH3OH, इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। यानी होता क्या है डियर स्टूडेंट इसमें कि जो मैथिल एल्कोहल है इसका जो रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो CH3OH होता है। तो डियर स्टूडेंट मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3OH। ये जो मैथिल एल्कोहल है उसे लकड़ी की भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। मैथिल एल्कोहल को कैसे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। इस कारण जो आपका जो मैथिल एल्कोहल है इसे वुड स्प्रिट कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है, यानी कि वुड स्प्रिट यानी कास्ट एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है इसको मैथिल एल्कोहल। अब ये जो मैथिल एल्कोहल है इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है उच्च ताप एवं दाब पर इसका हाइड्रोजनीकरण के थ्रू निर्माण किया जाता है, उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण के थ्रू मैथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं देखिए, तो यहां से मैथिल जो एल्कोहल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र की बात करें रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका CH3OH। इसे क्या कहा जाता है, प्राप्त कैसे किया जाता है भी लकड़ी के भंजक आसवन से। जो मैथिल एल्कोहल है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इस कारण से क्या कहा जाता है, वुड स्प्रिट कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। इसे लकड़ी के भंजक यासवन से प्राप्त किया जाता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि जो मेथेनॉल है इसका जो औद्योगिक जो उत्पादन है वो उच्च ताप एवं दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसको प्राप्त करना है कार्बन मोनोऑक्साइड सी विधि। इसको प्राप्त करने की जो मेथड है कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको मैं क्या करवा दूं, उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण करवा दूं CO+2H2। CO का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहां पे क्या हो रहा है, उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण, CuO है, ZnO Cr2O3 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप, 573 केल्विन ताप और 200 atm दाब, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरक हाइड्रोजन का जुड़ना, यहां पे हाइड्रोजनीकरण होगा किसकी उपस्थिति में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, CuO है, ZnO है, Cr2O3। टेम्परेचर हाई है 573 केल्विन, दाब प्रेशर कितना है यहां पे 200 atm। तो यहां से देखें डियर स्टूडेंट यहां का C और यहां पे देखो 2H2 ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको CH3OH में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां पे कार्बन कितना है एक है, ये वाला हीरा। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं चार, तीन हीरे हैं और एक H हीरा। ऑक्सीजन कितना है,
तो यानी कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेंपरेचर और प्रेशर पे करवाते हैं, तो ये जो आपका कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि डियर स्टूडेंट आपसे पूछ ले कि यहां से जो मेथिल एल्कोहल है इसका औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण कैसे करवा दे, उच्च ताप एवं दाब पर संपन्न करवा दे, इसका निर्माण हो जाएगा यहां से मेथिल एल्कोहल। अब आपसे पूछ ले कि वाटर गैस, यहां पे देखो CO प्लस 2H2 का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है आपका वाटर गैस के नाम से जाना जाता है, यानी कि CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण है, पेपर में पूछ ले CO प्लस H2 गैस का जो मिश्रण है, CO प्लस H2 गैस का मिश्रण वाटर गैस कहलाता है, वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। यानी वाटर गैस का क्या है तो आप कह सकते हैं CO प्लस H2 गैस का जो मिश्रण है वो ही क्या कहलाता है आपका वाटर गैस। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे मेथिनोल के गुणधर्म। तो डियर स्टूडेंट अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, मेथिनोल के गुणधर्म, मेथिनोल के गुणधर्म। मेथेनॉल के गुणधर्मों में क्या होता है कि जो मेथेनॉल जो होता है एक रंगहीन द्रव होता है। डियर स्टूडेंट मेथेनॉल क्या होता है, एक रंगहीन द्रव होता है। मेथेनॉल एक विषाक्त द्रव होता है, इसके पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, और यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यानी कि डियर स्टूडेंट यहां से क्या होता है कि जो मेथेनॉल है वो कैसा द्रव होता है, रंगहीन द्रव, कैसा द्रव होता है, विषाक्त द्रव, इसके पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, और अधिक मात्रा में पी ले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कि मेथेनॉल जो है इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 337.5 केल्विन होता है। मेथेनॉल जो होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 0.725 होता है। तो ये है आपके मेथेनॉल के गुणधर्म। तो डियर स्टूडेंट मेथेनॉल के गुणधर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, यह एक रंगहीन द्रव है। मेथेनॉल क्या होता है, रंगहीन द्रव। दूसरी बात करें यह विषाक्त द्रव है, विषाक्त द्रव है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है, ये विषाक्त द्रव है, इसके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, और आधिक्य में पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आधिक्य में पीने से व्यक्ति की जो है मृत्यु है वो हो जाती है। क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक 337.5 केल्विन होता है। मेथेनॉल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 337.5 केल्विन होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में घुलनशील होता है। इसका आपेक्षिक जो घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व 0.795 होता है। तो डियर स्टूडेंट मेथेनॉल के जो गुणधर्म है वो क्या है कि जो मेथेनॉल है वो कैसा होता है, एक रंगहीन द्रव होता है, विषाक्त द्रव है, इसके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, आधिक्य में यदि पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मेथेनॉल जो है इसका क्वथनांक कितना होता है, 337.5 केल्विन होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका, 0.75 होता है। तो डियर स्टूडेंट यहां से क्लियर है कि मेथेनॉल के जो गुणधर्म है। उसके बाद में जो अपन बात करेंगे मेथेनॉल के उपयोग की, बात करें मेथेनॉल के जो उपयोग है वो किसमें किए जाते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे डियर स्टूडेंट मैथेनॉल के उपयोग। यहां से जो मैथेनॉल के जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, पेंट है, वार्निश है, सेल्यूलॉइड है आदि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। मैथेनॉल का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, पेंट, वार्निश, सेल्यूलॉइड आदि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसको बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का विकृतीकरण जो होता है उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि मैथेनॉल जो है वो किस क्या करता है, एथेनॉल जो है इसका डिनेचुरेशन करने लग जाता है, विकृतीकरण करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि जो ऑटोमोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो गाड़ियों के ऑटोमोबाइल है और जो रेडिएटर होते हैं गाड़ियों के उसमें प्रति हिम करने के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी इसको काम में लिया जाता है, जैसे आयोडोमेथेन के निर्माण में। तो पेंट, वार्निश, तो मैथेनॉल के उपयोग क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहला उपयोग हो जाएगा पेंट, वार्निश, सेल्यूलॉइड आदि के निर्माण, आदि के निर्माण जो किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, विलायकों के रूप में, जो विलायकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो विलायकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में, ऑटोमोबाइल रेडियो रेडिएटरों में प्रतिहिम कारक के रूप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एथेनॉल के विकृतीकरण के रूप में, एथेनॉल के विकृतीकरण के रूप में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जैसे कार्बनिक यौगिक आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन के निर्माण। तो ये है आपके डियर स्टूडेंट मैथेनॉल के उपयोग। तो यहां से क्लियर है कि मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या बताया कि मैथेनॉल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3OH। जो मैथेनॉल है उसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, इस कारण उसे किस नाम से जाना जाता है, वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। कि जो मैथेनॉल है इसका औद्योगिक जो उत्पादन है वो कैसे किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण उच्च ताप एवं दाब पर संपन्न करवा दें, तो यहां से किसका निर्माण हो जाता है, मैथेनॉल या मैथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये है आपके यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस टू एच टू हाइड्रोजन जो गैस का जो मिश्रण है, CO प्लस एच टू गैस का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैंने बात की है कि मैथेनॉल के गुणधर्म, मैथेनॉल जो है वो क्या होता है, एक रंगीन द्रव होता है। दूसरे पॉइंट, मैथेनॉल एक विषाक्त द्रव होता है जिसके पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा एवं ज्यादा मात्रा में सेवन करने से या आधिक्य में पी लेने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट, मैथेनॉल जो होता है इसका क्वथनांक कितना होता है, 337.5 केल्विन होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना होता है, 0.795 केल्विन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात की डियर स्टूडेंट मैथेनॉल के उपयोग, मैथेनॉल का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, पेंट, वार्निश, सेल्यूलॉइड आदि में विलायक के रूप में, ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रतिहिम के रूप में, एथेनॉल के विकृतीकरण में, कार्बनिक यौगिक आयोडोमेथेन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।